प्रश्न 22। एक वृक्ष 2.5 डेसीमीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और इसका सिरा पेड़ की जड़ से 6 डेसीमीटर की दूरी पर जमीन पर आकर टिक जाता है। टूटने के पहले पेड़ की कुल ऊंचाई क्या थी? तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से हम इसका चित्र बना लेंगे। माना कि ए बी एक वृक्ष है, ठीक है, ए बी वृक्ष है जो कि सी पे टूट जाता है। सी पे क्या होता है? टूट जाता है, देखिए। और टूटा हुआ जो भाग है वो जमीन से डी पे जाके मिल जाता है। तो कह रहा है एक वृक्ष 2.5 डेसीमीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, यानी इसका ऊंचाई दिया हुआ है 2.5 डेसीमीटर। क्या दिया हुआ है? डेसी मीटर, 2.5 डेसीमीटर दिया हुआ है बीसी, ठीक है। और इसका सिरा पेड़ की जड़ से 6 डेसीमीटर की दूरी पर जमीन पर आकर टिक जाता है। इसका दिया हुआ है 6 डेसीमीटर। इसका सिरा यानी पेड़ का सिरा पेड़ की जड़ से, देखिए पेड़ के जड़ कहाँ पे है? बी के पास, यहाँ पे पेड़ का जड़ है, ठीक है। और पेड़ का सिर जो है यहाँ तक है, लेकिन टूट जाता है यहाँ से, पेड़ टूट जाता है, देखिए सी से पेड़ टूट जाता है और टूट करके डी जमीन पर, देखिए यहाँ पे डी के पास मिलता है। तो इसका सिरा पेड़ की जड़ से, पेड़ की जड़ यहाँ पे है, 6 डेसीमीटर की दूरी पर जमीन पर आकर टिक जाता है, यानी यहाँ पे इसका सिरा है, पेड़ का सिरा, ठीक है। तो देखिए ए बी क्या है? एक पेड़ है। ए बी क्या है? एक पेड़ है। बीच से पेड़ टूट जाता है, तो पेड़ टूटेगा तो इस तरह से जमीन पे गिरेगा आके, ठीक है। तो पेड़ जो है धरती से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है? समकोण है, क्योंकि पेड़ धरती से लंब होता है, पेड़ जो होता है धरती पर लंब होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना। अब समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। तो ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, ये हो गया आधार, ये क्या हो गया? आधार, और ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, ठीक है, ये हो गया लंब। तो लिखेंगे माना ए बी पेड़ पेड़ की ऊंचाई है, ए बी जो है पेड़ की ऊंचाई है, देखिए ए बी क्या है? पेड़ की ऊंचाई। तो हम ये मान लेंगे कि ए बी पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बी सी डी, देखिए बी सी डी, तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में तो कर्ण अगर हम निकाल दें तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि पेड़ जो टूटा है वह कर्ण के रूप में है। यहाँ पे देखिए यहाँ से पेड़ टूट गया है, पेड़ कौन है? ए बी पेड़ है, और पेड़ यहाँ से टूट गया है आधा से और इस तरह जमीन पे आके गिर गया है। तो कर्ण अगर निकाल दें तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगा, क्योंकि आधा ऊंचाई दिया हुआ है, देखिए 2.5 डेसीमीटर दिया हुआ है बीसी। तो अगर कर्ण निकाल दें और फिर 2.5 में जोड़ देंगे तो ये पूरा पेड़ का लंबाई ज्ञात हो जाएगा, यानी पेड़ का ऊंचाई, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बीसीडी में कर्ण बराबर, तो कर्ण कैसे निकलेगा? तो कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़
आधार का वर्ग का अंडर रूट। कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो देखिए समकोण त्रिभुज में लंब और आधार से कर्ण बड़ा होता है, तो कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग का अंडर रूट, यानी उसका वर्गमूल। तो पेड़ की जड़ से और उसका सिरा जहां पे गिरा है उसकी दूरी दिया हुआ है 6 डेसीमीटर, और पेड़ का आधा ऊंचाई दिया हुआ है 2.5 डेसीमीटर, यानी जहां से टूटा है वहां तक का ऊंचाई, आधा नहीं कहेंगे इसको, यानी जहां से टूटा है और धरती से और जहां से टूटा है वहां तक का ऊंचाई दिया हुआ है 2.5 डेसीमीटर। तो कर्ण अगर ज्ञात कर लें तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पे कौन है? कर्ण है CD, कर्ण है CD। तो कर्ण के जगह पे CD लिख लेंगे तो CD बराबर हो जाएगा अंडर रूट। लंब कौन है? देखिए लंब है BC और आधार है BD। तो लंब कौन है? BC और आधार है BD। तो इस तरह लिख लेंगे। तो CD ज्ञात करना है यानी कर्ण ज्ञात करना है। तो BC देखिए कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 2.5 डेसीमीटर और BD दिया हुआ है 6 डेसीमीटर। तो BC कितना दिया हुआ है? 2.5 डेसीमीटर, यानी वर्ग। देखिए BC का वर्ग है तो BC कितना दिया हुआ है? 2.5। तो 2.5 का वर्ग कर देंगे, दोनों डेसीमीटर में ही है इसीलिए कर्ण भी डेसीमीटर में आएगा। BD कितना है? 6 डेसीमीटर, तो 6 का वर्ग कर देंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। अब यहाँ पे 2.5 का वर्ग, तो अगर दशमलव हटा दे तो 25 हो जाएगा, तो 25 का वर्ग होता है 625। क्या होता है? 625। लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है तो इसको गुना करने पे दशमलव के बाद दो अंक हो जाएगा, यानी 6.25 हो जाएगा। 2.5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 6.25। तो 2.5 गुना 2.5 हो जाएगा 6.25 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36, इसका अंडर रूट। तो अब इसको जोड़ देंगे, 36 से 42, यानी 42.25। क्या हो जाएगा? 42.25। अब 42.25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा, तो देखिए 42.25 का वर्गमूल निकालेंगे तो दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे, तो 6×36, 6×36 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6। अब 625 उतार देंगे तो 5 से लगेगा, यानी 65 आ जाएगा। कितना लगेगा? 65, 4225 का वर्गमूल हो जाएगा 65, क्योंकि देखिए 125 पच्चे क्या होता है? 625, ठीक है। तो 4225 का वर्गमूल आ गया 65, तो लिख लेंगे बराबर 6.5। 4225 का वर्गमूल होगा 65, लेकिन यहाँ पे 42.25 है, यानी दशमलव है, दशमलव के बाद दो अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए क्योंकि इसका वर्गमूल है, यानी 6.5 हो जाएगा इसका वर्गमूल। तो CD बराबर आ गया 6.5 डेसीमीटर। क्या आ गया? 6.5 डेसीमीटर। तो देखिए CD ज्ञात हो चुका है, CD ज्ञात हो चुका है, कितना आ गया? 6.5 डेसीमीटर। CD कितना आ गया? 6.5 डेसीमीटर। अब पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई AB है, ठीक है, और पेड़ क्या हो जाता है? टूट जाता है यहाँ यहाँ से, ठीक है। तो टूटा हुआ भाग कर्ण है, तो कर्ण और BC को अगर जोड़ दें, ठीक है, कर्ण और BC को अगर जोड़ दें तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है 2.5, ठीक है, यानी जहाँ से पेड़ टूटता है वहाँ तक का ऊंचाई दिया हुआ है 2.5 डेसीमीटर, और टूटा हुआ भाग क्या है? कर्ण है, जो कि आ गया है 6.5 डेसीमीटर। तो पेड़ का ऊंचाई यानी BC और CD को जोड़ देंगे, देखिए BC प्लस CD को जोड़ देंगे तो पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा AB। तो लिखेंगे अब, अतः
पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई क्या है? ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। ए सी प्लस बी सी, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए ए सी जो है, तो ए सी देखिए पेड़ कौन है? ए बी है, पेड़ है ए बी, और ए सी भाग जो है टूट करके गिर चुका है यहाँ पे, तो ए सी क्या बन गया है? सी डी। तो सी डी हम निकाल चुके हैं 6.5, और बी सी दिया हुआ है 2.5, तो ए सी की जगह पे लिख लेंगे सी डी। ए सी की जगह पे क्या लिख लेंगे? सी डी। तो सी डी प्लस बी सी हो जाएगा। ए सी क्या है? सी डी है, क्योंकि ए सी भाग जो है टूट करके जमीन पे गिर गया है, जो बन गया है सी डी। ठीक है, तो ए सी और सी डी बराबर है। अब सी डी हम ज्ञात कर लिए हैं 6.5, सी डी हम ज्ञात कर लिए हैं 6.5, और बी सी देखिए दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है यहाँ पे 2.5। बी सी क्या है? दिया हुआ है 2.5, तो बी सी की जगह पे 2.5 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 5 10 6 2 8 1 9, यानी 9.0 आएगा, यानी 9 डेसीमीटर हो जाएगा। तो 9.0 यानी सिर्फ 9 लिख लेंगे, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा? 9 डेसीमीटर। तो इसको अब फिर से हम समझ लेते हैं। देखिए ए बी पेड़ है, सी से टूट गया है पेड़, पेड़ टूट करके यहाँ पे डी इस तरह से गिर गया है, देखिए डी तक, तो टूटा हुआ भाग ए सी जो है सी डी बन गया। देखिए ए सी जो है क्या बन गया? सी डी। तो सी डी अगर निकाल दें और बी सी में जोड़ दें, देखिए इतना दिया हुआ है 2.5, तो बी सी और सी डी को अगर जोड़ दें तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा ए बी। तो वही किए हैं, ए सी और सी डी क्या है? बराबर है। देखिए ए सी और सी बी बराबर है, क्योंकि टूटा हुआ भाग इस तरह से गिरा है नीचे पेड़ का, तो बी सी और सी डी को अगर जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा? पेड़ का ऊंचाई। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।